नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं व्हाइट चॉकलेट फज, जो बहुत ही अमेजिंग है। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आज हम बनाएंगे इसे ट्राई कलर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे ये 300 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है। इसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप चॉकलेट का यूज़ करें, इसे पहले रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल आने दें, फिर हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हम चॉकलेट को एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो हमारी ये वाइट चॉकलेट चॉप होके तैयार है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमने नॉनस्टिक पैन को गैस पे रख दिया है। अब हम चॉप चॉकलेट को इसमें डालेंगे। फ्लेम को लो पर ही रखें। 50 ग्राम हम इसमें बटर डालेंगे, ये अनसॉल्टेड बटर है, इसे भी रूम टेम्परेचर पर रखें। साथ ही में 150 ग्राम हमने कंडेंस मिल्क लिया है। अब लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। ध्यान रखें मेजरमेंट्स का, और साथ ही में फ्लेम लो रहनी चाहिए, और इसे हमें बहुत धीरे धीरे ही स्टर करना है। हमें इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2-3 यहाँ पे लम्ब्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका भी आप अच्छे से मेल्ट होने का इंतज़ार करें। बस हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गई है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम दो बोल्स में थोड़ा थोड़ा सा फज निकाल लेंगे। हमें इन दोनों फज में फूड कलर ऐड करना है। एक में हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे। जब भी आप चॉकलेट में कोई कलर डालने जा रहे हैं, तो आप हमेशा जेल कलर का इस्तेमाल करें। अब मैं ये रेड फूड कलर डाल रही हूँ। इन्हें हम मिक्स करेंगे, साथ में हम रेड कलर भी मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें मार्बल इफेक्ट लाना है। इस तरह से रैंडमली मिक्स करें। और हमारा ये वाइट फज भी, तो तीनों कलर के हमारे फज तैयार हैं। इसे हम एक ट्रे में सेट करेंगे। मैंने इस ट्रे में पहले से एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो इस तरह से जब भी आप फज बनाएं, पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जरूर लगाएं। अब हम इन तीनों चॉकलेट्स को इसमें रैंडमली डालेंगे। अब इसमें रेड और ग्रीन कलर डालेंगे। आप अपनी फोक या फिर टूथपिक के हेल्प से इसे रैंडम स्टर कर लेंगे, ताकि अच्छे से मार्बल इफेक्ट आ जाए। अब इसे हम एक बार टैप कर देंगे। टैप करने के बाद में इसे हम फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, हमारा फज सेट हो गया है अच्छे से। इसे हम डीमोल्ड करेंगे और कट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, पार्चमेंट पेपर लगाने से काफ़ी अच्छे से डीमोल्ड होता है। अब आपको इसे जिस तरह से गिफ्ट करना है, सर्व करना है, उस अकॉर्डिंग आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये फज रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा फज तैयार हुआ है। इसे आप बनाकर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके गिफ्ट करने के बॉक्सेस मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इन्हें पैक करके गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कैविटी बॉक्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इनमें फज को रखकर इजीली गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट की मेहनत में कितना खूबसूरत और टेस्टी चॉकलेट फज बनाकर तैयार कर लिया है। इस फज को बनाकर आप फेस्टिव डेज में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद में अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।